चलिए एक्सरसाइज 10 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। इसमें दिया गया हमें एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें कोण Q बराबर 135 डिग्री, कोण R बराबर 90 डिग्री और इसकी भुजाएं दी गई हैं 3, जिसमें QR भुजाएं हमारी 5 सेंटीमीटर दी गई है, PQ भुजा 9 सेंटीमीटर और RS भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रफ फिगर बनाएंगे और कौन सी भुजा बनाएंगे सबसे पहले वो भुजा बनाएंगे, हमने आपको पहले ही बताया है, जो हमें कोण दिए गए हैं, कोण कौन कौन से क्यू और आर दिए गए हैं, इससे जुड़ी हुई कौन सी भुजा होगी, भुजा होगी क्यू आर। तो सबसे पहले हम कौन सी भुजा बनाएंगे, क्यू आर बनाएंगे। ये कितनी लंबाई की है, 5 सेंटीमीटर है ये, और कोण आर दिया गया है हमें 90 डिग्री और कोण क्यू दिया गया है हमें 135 डिग्री, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर इसका कोण लिख देंगे 135 डिग्री और कोण आर है हमारा समकोण। और इन दोनों को हम मिला देंगे। अभी हमें ये पता नहीं है ये किस तरीके से मिलेगी, ये केवल रफ फिगर बना रहे हैं। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा, पी क्यू आर एस। और पी क्यू कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर और हमें आर एस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अब अपनी फेयर वाली फिगर बनाएंगे जिसकी हमें रचना करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किरण बनाएंगे, और इसे हम नाम देंगे एक्स किरण का, और इस किरण से हम एक रेखाखंड काटेंगे, वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का, तो ये हमने इस किरण एक्स पर एक रेखाखंड काटा है, रेखाखंड क्यू आर जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, कोण क्यू और कोण आर बनाएंगे। कोण क्यू है हमारा 135 डिग्री, तो हम अपनी डी से 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहले 90 पर जाएंगे, 90, 100, 110, 120, 130, 130 और 140 के बीच में जो बड़ी लकीर है उस पर हम निशान लगाएंगे, वहाँ पर कितना होगा, 135 डिग्री। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, कोण आर बनाएंगे, वो कितना दिया गया हमें, 90 डिग्री दिया गया है। तो हम अपनी डी के माध्यम से कोण आर बनाएंगे, 90 डिग्री का हमने निशान लगा लिया। अब हम इन कोणों को मिलाते हुए बिंदु Q से एक किरण बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे किरण Y का, और अपने बिंदु R पर हम एक किरण बनाएंगे और उसे हम नाम देंगे Z किरण का। ये कोण है हमारा 135 डिग्री का,
और ये है कोण हमारा समकोण, जिसे इस तरीके से दिखाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु R से एक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे प्रकार में, और प्रकार की नोक हम कहाँ रखेंगे, बिंदु R पर रखेंगे, और एक चाप लगा करके हम क्या करेंगे, इस चाप लगाने से हमें बिंदु S मिल जाएगा, जो कि कितना बड़ा होगा लंबाई में, जो हमने त्रिज्या भरी थी प्रकार में 7 सेंटीमीटर की। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बिंदु Q पर हम क्या बनाएंगे, एक चाप खींचेंगे, वो कितना लंबाई का, कितनी त्रिज्या का होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर का। तो अब हम प्रकार में 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे, और प्रकार के नोक को हम बिंदु Q पर रखेंगे, और एक चाप लगाते हुए किरण Y पर हम एक चाप लगाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु P मिल जाएगा इस चाप लगाने से। अब इन दोनों रेखाओं को हम ये दोनों जो चाप काटे हैं हमने, इन दोनों चापों को मिला देंगे स्केल की माध्यम से, इस तरीके से क्या होगा, हमें हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस मिल जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू की भुजा की लंबाई लिख देंगे, जो कि हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसकी रचना लिखेंगे, जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसे अपनी भाषा में लिख देंगे, उसे ही क्या कहते हैं, रचना। नंबर एक हमने क्या किया था, एक किरण एक्स खींची, जिस नंबर दो किरण एक्स पर रेखाखंड क्यू आर, इसका साइज भी लिखना होता है 5 सेंटीमीटर, काटा एक रेखाखंड क्यू आर काटा किरण एक्स पर, तथा बिंदु क्यू पर 135 डिग्री, तथा बिंदु आर पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण वाई तथा किरण जेड खींची, अब हमने क्या किया था, अगले स्टेप में बिंदु क्यू तथा बिंदु आर से क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या
त्रिज्या का चाप लगाया जिससे हमें क्या हुआ बिंदु पी तथा बिंदु एस प्राप्त हुए। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में बिंदु पी तथा बिंदु एस को मिलाया। तो लास्ट में हमें क्या मिला, इन बिंदु पी और एस को जब हमने मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त आकृति पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे।